इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट या बचे हुए कंसंट्रेशन के मेथड। तो हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बचे हुए मेथड। तो हमने लास्ट क्लास में पीपीएम पढ़ा था, वेट परसेंटेज पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था और वेट वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, मींस चार। अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है कि अगर हम एक लीटर सॉल्यूशन लें, एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे हम उसको मोलैरिटी कहते हैं। तो हमने क्या किया मोलैरिटी निकालने के लिए कि एन बी सॉल्यूट के मोल्स को तो ऊपर रख दिया और नीचे वॉल्यूम को लीटर में रख लिया, ठीक है ना। पर बच्चों नॉर्मली कभी भी ना तो मोल्स दिए होते हैं और ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में गिवन होता है। जब ये दोनों ही नहीं होते तो फिर हम क्या करेंगे, हमने एन बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। एन बी की वैल्यू होती है डब्ल्यू बी बाई एम बी, मतलब सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूट का मोलर मास। और वॉल्यूम को एम एल से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जब 1000 बी एम एल यहाँ आ जाएगा और 1000 नीचे, तो जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। बच्चों मैं मोस्टली ज़्यादातर मोलैरिटी के क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले का यूज करता हूँ क्योंकि इससे सिंगल स्टेप में ही न्यूमेरिकल हो जाता है। जबकि इस वाले फॉर्मूले से पहले हमको मोल निकालने पड़ते हैं, फिर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो न्यूमेरिकल में एक मल्टी स्टेप्स हो जाते हैं और हमको लगता है काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है। अब कभी कभी मोलैरिटी के क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं होता। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं होगा तो फिर हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हमने वी एम एल की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्लिक डेंसिटी रख दिया। तो जब डेंसिटी ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमें वॉल्यूम नहीं गिवन हो। पर ये वाला फॉर्मूला मोस्टली अब हम कब यूज करते हैं, जब परसेंटेज में दिया हो। तो जैसे उसने हमें दिया 10% ग्लूकोज, तो 10% ग्लूकोज का मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो बच्चों अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 100 रख दें तो 100 से 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर फॉर्मूला ये काम करता है, बस आपको इतना याद रखना है। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब मास परसेंटेज दिया हो, ठीक है ना। अगर परसेंटेज दिया हो तो हम डेंस मोलैरिटी को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब आए हम इस फॉर्मूले की तरफ, एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू। इस फॉर्मूले को हम तब यूज करते हैं जब वो क्वेश्चन में पानी मिलाए या फिर क्वेश्चन में डाइल्यूट करने को कहे। वो कहे हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन था और हमने उसको 1000 ml तक डाइल्यूट कर दिया। तो आप समझ जाएं कि आप ये फॉर्मूला, तो हम जब मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम ये तीन फॉर्मूले, हमने ये जर्नल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम स्पेसिफिकली तब यूज करेंगे जब वो हमको मास परसेंटेज देगा। मोलैरिटी के इस फॉर्मूले का यूज हम स्पेसिफिकली तब करेंगे जब वो क्वेश्चन में डाइल्यूट करे या वाटर ऐड करे। इस फॉर्मूले का बच्चों हम कब यूज करते हैं, जब एक एसिड और दूसरे बेस को आपस में मिलाए, ठीक है ना। तो हम एसिड या जो भी ज़्यादा होगा उसको पहले रख देंगे और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बाद में रख देंगे। या हम इसको कभी भी रखें लेकिन माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब अगर एम टू बी टू का सम बड़ा आ रहा है तो माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे। अब बी थ्री कैसे निकालेंगे, बी थ्री निकालने के लिए हम बी वन और बी टू को ऐड कर देंगे। इस वाले फॉर्मूले का बच्चों हम यूज कब करेंगे, जब दो एसिड या दो बेस को आपस में मिलाएं। तो सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब एक एसिड एक बेस। हम चलते हैं, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, क्योंकि एन बी ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है तो मोल्स पर लीटर। अगली बात,
मोलैरिटी में आप देख सकते हैं हर जगह वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। इसलिए मोलैरिटी कंसंट्रेशन निकालने की बेटर यूनिट नहीं है, मोलैरिटी इससे बेटर यूनिट होती है, क्योंकि मोलैरिटी में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमने 4 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में डाल दिए, प्रेजेंट है 4 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी निकालो। अब हमने सबसे पहले क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फॉर्मूला हमें गाइड करता है किस जगह पर क्या रखना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमने 4 ग्राम रख दिया, 1000 में हम कुछ कर नहीं सकते। NaOH का मोलर मास 40 होता है और वॉल्यूम 250 ml। हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जिसको करने से हमें 0.4 एम आंसर आ गया। तो इसकी मोलैरिटी 0.4 या फिर 0.4 मोल्स पर लीटर आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि H2SO4 की मोलैरिटी निकालो जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसकी यूनिट कहती है कि 1.84 ग्राम H2SO4 एक ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें इससे क्या पता लग गया, इसका वॉल्यूम पता लग गया और इसका वेट भी पता लग गया। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर 1.84 रख दिया, 1000 में हम कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज रख दिया। वॉल्यूम की जगह पर हमने 1 ml रखा, जिसका कोई मतलब नहीं, और H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, तो हमने 98 नीचे रख दिया। और इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मोलैरिटी 18.7 मोल्स पर लीटर आ गई, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 90% H2SO4, और इस वाले केस में उसने हमें डेंसिटी भी दे रखी, ठीक है ना। अब बच्चों मास परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना। इस 98% का मतलब होता है कि 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर 98 फिलअप रख दिया, 1000 की जगह पर 1000 रख दिया, H2SO4 का मोलर मास 98, ठीक है, और सॉल्यूशन का मास, जब वॉल्यूम नहीं गिवन हो तो हम सॉल्यूशन का मास रखेंगे और डेंसिटी ऊपर रख देंगे। हमने सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे हमें 18.4 आंसर आ गया। पर मास परसेंटेज अगर दिया हो तो इससे बेटर फॉर्मूला ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज के बराबर होता है। तो 98 मोलर मास 98, 1000 को 100 से डिवाइड करने पर हमेशा 10 आता है, तो 10 और डेंसिटी 1.84 रखने पर इस फॉर्मूले से भी हमको मोलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमको मास परसेंटेज दिया हुआ हो। एनसीईआरटी में 11th में ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है जो है कि अगर हम कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 69% HNO3, 69% HNO3 की मोलैरिटी निकालो और डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml दी हुई है। तो हम 63 को यहाँ रख देंगे, 69 को, HNO3 का मोलर मास 63 होता है, 10 की जगह 10 रखेंगे और डेंसिटी की जगह रखेंगे हम कितना, 1.41, तो हमें आंसर मिलेगा 16.83। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर की मोलैरिटी निकालो, ठीक है ना, और उसने हमें तीन क्वेश्चन अलग अलग दे रखे, एक 1 ml H2O, दूसरा 100 ml H2O और तीसरा 1000 ml H2O, 1000 ml H2O। अब बच्चों ट्रिक ये है कि वाटर चाहे कितना भी हो उसकी मोलैरिटी
हमेशा 55.5 आती है, ठीक है ना? तो हम देखेंगे कैसे आती। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 ml H2, ठीक है ना? 1 ml H2 है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम है, तो वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर इसका हो जाएगा 1 ml, 1 ग्राम। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह बच्चों कितना रख दिया? हमने इसकी जगह रख दिया 1 ग्राम। कितना रख दिया? 1 ग्राम। और 1000 की जगह 1000 ही रखा छोड़ दिया। H2 का मोलर मास सारे बच्चे जानते हैं 18 ग्राम होता है, ठीक है ना? और वॉल्यूम कितना? 1 ml। हमने 18 से 1000 को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आंसर आ गया 55.5। अब हमने क्या किया, 100 ml की मोलैरिटी निकाली। तो अब बच्चों जब 100 ml H2 होगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा 100 ग्राम। तो अब हम यहां पर दो चेंज करेंगे, क्या इस 1 की जगह पर हम 100 रख देंगे और इस ml की जगह पर हम फिर से रख देंगे क्या 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर से 55.5 हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है 1000 ml वाटर। तो जब हम 1000 ml की करेंगे तो अब बच्चों 1000 ml वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 1000 ml का वेट वेट हो जाएगा 1000 ग्राम। और नीचे वॉल्यूम बच्चों कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और हमको आंसर फिर से क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 55.5। इसलिए बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि वाटर की मोलैरिटी बच्चों हमेशा कितनी? 55.5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो हमको कहता है कि एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 m है, ठीक है ना? तो इसके मोलैरिटी निकालो 100 ml सॉल्यूशन की। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 m है, तो इसके 100 ml की मोलैरिटी निकालो। अब बच्चों इसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना? एक का मीन्स तो क्या है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था और अगर हमने उसमें से 100 ml निकाल लिया तो उसकी मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक आंसर तो 2 m ही होगा। लेकिन अगर 2 m आंसर नहीं दिया हुआ है तब इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 m वाले सॉल्यूशन को, 2 m का मतलब है 2 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। अब वो हमसे कहता है कि अगर हम इतने मोल को 100 ml में डिजोल्व करें तब मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। तो बच्चों ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, हमें 2 m से पता लगेगा, हमें 2 m से पता लगेगा कि इसके मोल्स 2 है, तो 1 लीटर में 2 है, तो हमें मोल्स पता लग गए, ठीक है ना? मोल्स बराबर होते हैं मोलैरिटी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मोल्स की जगह पर रख देंगे 2 m, ठीक है ना? और नीचे से उसका मोलर मास हटा देंगे। अब देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते हैं क्योंकि ml में दिया है, तो नीचे हम वॉल्यूम रख देंगे 100, ठीक है ना? और 100 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा कितना? 20 m, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 1 m 50 ml सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है,
हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। उसने हमें डाइल्यूट वर्ड दिया और डाइल्यूट वर्ड देखते ही हम पहचान गए कि M1V1 फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू किया और M1 की जगह पर वैल्यू बच्चों कितनी रखी, 1, ठीक है ना। अब उसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 50 ml। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 ml से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम था वो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वॉल्यूम वो कह रहा है 500 ml कर दिया, ठीक है ना। हमने इसको 500 को इससे डिवाइड किया तो ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/10। और 1/10 से जब हमने m को किया तो m2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, m2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो डाइल्यूट करने पर किसी की भी मोलैरिटी कम हो जाती है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.1। अब हम चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन की नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है मोलैलिटी, जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या फर्क होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये है फर्क जिसको हम कहते हैं 1 kg सॉल्वेंट उसमें 1 L सॉल्यूशन डाल लेते हैं, जबकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट लेते हैं। और मोलैलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही डाउट आता है। तो मोलैलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। एक किलो सॉल्वेंट में जितने हम सॉल्यूट के मोल्स को डिजोल्व कर दें उसको हम मोलैलिटी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक मोलर सॉल्यूशन हमेशा 1 मोलर सॉल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो हम देखते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी निकालने के लिए हमने सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर रख दिया और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में रखा। बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट को डेफिनेट याद रखें और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए होते तो हमने क्या किया, एनवी की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास रख दिया। और केजी में सॉल्वेंट को लाने के लिए ग्राम से 1000 को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा फॉर्मूला आ गया है ये, और मोस्टली हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आप याद रखें मोलैलिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये दूसरा रिलेशन है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। अगर उसने हमें मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछ रहा है तो हम इस रिलेशन से निकालेंगे। तो बच्चों याद रखें ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब मोलैरिटी दे रखी हो और मोलैलिटी पूछे। इस फॉर्मूले को यूज करने का एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एन वी है ये हमेशा मोलैरिटी के बराबर ही होगी, मोलैरिटी के बराबर ही होगी। तो हम देखते हैं मोलैलिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6% यूरिया सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करो। तो मोलैलिटी वर्ड आते ही हमने मोलैलिटी के फॉर्मूले को लिख लिया। ऐसा करने से 12th क्लास के बच्चे को हाफ मार्क्स मिल गया। अब अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला लिख लिया है तो उसे दिख जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो 6% से पता लगा यूरिया का वेट 6%। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और उसका मोलर मास एसिटिक एसिड के बराबर 60 होता है। तो हमने एसिटिक एसिड के मोलर मास को यहाँ लिख दिया। अब 6% का मतलब है 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो बच्चों सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए, किसका वेट निकालने के लिए, सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हमने सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 94 आएगा और ये इम्पॉर्टेंट बात है जो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे
जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.26। तो मोलैलिटी के क्वेश्चन को करते समय आप इस बात को हमेशा याद रखें, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो 11th और 12th दोनों की बुकों में है, कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालो। हमने फटाफट मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लिया और 15 ppm मैंने लास्ट वीडियो क्लास में बताया था, 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 रेज टू 6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो हमने सॉल्यूट के वेट की जगह 15 रख दिया। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, जिसका मोलर मास 119.5 होता है और 1000 की जगह पर 1000 रख दिया। अब बच्चों एक प्रॉब्लम आई, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? तो सॉल्वेंट का वेट हम अगर देखें तो हम 10 रेज टू पावर 6 में से 15 को माइनस करेंगे, लेकिन 15 एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में 15 को नेगलेक्ट कर दिया है और इसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर हमको अप्रॉक्स 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब पावर इसकी मैं कम कर देता हूं और ये हो जाएगी -4। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 mNaNO3। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और NaNO3 का मोलर मास गिवन है हमको 85 ग्राम और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की गिवन है 1.21 ग्राम पर ml। बच्चों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और आपको अगर कुछ नहीं आता तो एक शॉर्ट ट्रिक्स ये है जो मैं आपको बताता हूँ। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि मोलैलिटी मोलैरिटी से नॉर्मली थोड़ी कम आती है। तो मोलैरिटी कितनी है बच्चों? 1 m, तो मोलैलिटी की वैल्यू मोलैरिटी से थोड़ी सी कम आएगी। अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि मोलैरिटी मोलर सॉल्यूशन आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 mol। तो अब हम इस बात को न्यूमेरिकल की हेल्प से भी निकालते। हमने फॉर्मूला लिया, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये कैपिटल एम है मोलैलिटी निकालने का। तो हमने यहां पर मोलैलिटी रख दी, एम नीचे है, 1000 की जगह 1000 पुट कर दिया और 1.21 उसकी डेंसिटी है, -1 मोलैलिटी के बराबर है। अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, ये फॉर्मूला है कि NB की वैल्यू मोलैरिटी के बराबर होती है और मोलर मास की जगह पर मैंने रख दिया, क्या इसकी जगह पर मैंने रख दिया है 85। और जब हमने इस सबको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 0.88, जो मोलैरिटी से थोड़ा सा कम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3 mNaCl सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करो, मतलब हमें NaCl की मोलैरिटी 3 m दी हुई है, इसका मोलर मास 58.5 और डेंसिटी 1.25 है। तो बच्चों पहली बात कि इसकी मोलैलिटी थोड़ी सी कम आएगी। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को फिर से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और आप देख सकते हैं अब मैं इसमें वैल्यू रखना शुरू करता हूं, जिससे आप देख सकें कि वैल्यू कैसे पुट करते। हमने मोलैलिटी की जगह पर वैल्यू कितनी रखी, हमने मोलैलिटी की जगह पर वैल्यू रख दी 3 m, हमें निकालनी है डेंसिटी। इस क्वेश्चन में गिवन है और डेंसिटी की वैल्यू 1.25 है, 1000 की जगह 1000 रखा जाएगा। NB की वैल्यू बच्चों
मोलैरिटी के बराबर होती है तो कितनी हो जाएगी, 3। और NaCl का मोलर मास 58.5 होता है, तो हमने यहाँ पर रखा 58.5, ठीक है ना। और नीचे 1000। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमको आंसर मिलेगा 2.79। ये NCERT का 11th क्लास की बुक का आखिरी सॉल्व प्रॉब्लम है, जो इम्पॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।